इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके पास पोको का फ़ोन है, उसमें हम अपने जो नंबर रहते हैं उनको कॉन्टैक्ट लिस्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, इसके लिए आपको अपने पोको के फ़ोन में डायलर में जाना पड़ेगा सबसे पहले। तो डायलर में हम चलते हैं। डायलर में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पर डायलर। अब यहाँ पर कोई भी एक नंबर ले लीजिए आप, ठीक है। अब जैसे ये नंबर हो गया, हमें इसे हमें ऐड करना है कॉन्टैक्ट में, ठीक है। तो इससे डालने के बाद यहाँ पर ऊपर लिखा आएगा क्रिएट ए न्यू कॉन्टैक्ट, ठीक है, या ऐड ए कॉन्टैक्ट, दोनों में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं, और या फिर क्रिएट ए न्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा सेव करने का, कि जीमेल में सेव कर रहे हैं या कहाँ सेव कर रहे हैं, सिम में सेव कर रहे हैं, किस जगह सेव कर रहे हैं, वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप जो है यहाँ पर उसका नाम डाल सकते हैं, एंड सर नेम या लास्ट नेम उसको यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आप जो है यहाँ पर इसका जो है लेबल सेट कर सकते हैं कि ये होम के लिए या मेन नंबर है या अदर्स कुछ भी लेवल हो, कस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड सबसे एंड में आप जो ऐसे यहाँ पर सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे सेव करेंगे उसके बाद आपको ये जो है ये नंबर जो है यहाँ पर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस नंबर को सेव कर सकते हैं। अब उसे फाइंड करेंगे आप, देखिए यहाँ पर ये आ गया नंबर, तो सर्च करते ही आपको दिख जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है इसका इजी सा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।